हाय गाइस, आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। वैसे तो आपको तो पता चल ही गया होगा थंबनेल या फिर टाइटल से कि मैं आज आईफोन 12 को रियल लाइफ में इस्तेमाल करके आपको दिखाने वाला हूँ कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है, मतलब इसका बैटरी बैकअप कैसा रहने वाला है, इसका परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिलेगा और जो चीज़ होते हैं फ़ोन में जैसे कि डिस्प्ले और कैमरा वगैरह। बाय द वे, इस फ़ोन को मैं 5G में इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि आप अगर रियल यूज़र है, मतलब अगर आप आईफोन 12 को लेने का सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली इंडिया में तो 5G इस्तेमाल करेंगे ना, क्योंकि अभी इंडिया में 5G अनलिमिटेड देखने को मिल रहा है, तो 4G में कौन इस्तेमाल करेगा। इसलिए मैं इस फोन को मैं 5G में इस्तेमाल करने वाला हूँ। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी सुबह 6:57 बज रहा है और चार्जिंग परसेंटेज लगभग 100% ही है, तो अब देखते हैं कि एंड ऑफ द डे में हमको कितना चार्ज परसेंट देखने को मिल जाता है और उसके साथ स्क्रीन ऑन टाइम हमको कितना देखने को मिलता है। तो चलिए निकलते हैं। अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये इसी फोन के फ्रंट कैमरा और माइक्रोफोन से रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फोन का फ्रंट कैमरा कैसा है। अभी लगभग सुबह 7:57 के आसपास कुछ हो रहा है और इस फोन को इस्तेमाल करते लगभग 20 मिनट हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी 100% ही चार्ज देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कब जगह पहला परसेंटेज ड्रॉप देखने को मिलता है। फिलहाल मैं बस स्टैंड पहुंच चुका हूँ और टाइम हो रहा है 8:17 AM और अभी भी 100% ही चार्ज देखने को मिल रहा है, जबकि मैं लगभग आधा घंटे के आसपास फ़ोन इस्तेमाल कर चुका हूँ, जिसमें मैं ज़्यादातर वीडियो ही देख रहा था, एक्चुअली मैं मूवी देख रहा था, लेकिन फिर भी अभी भी 100% ही चार्ज देखने को मिल रहा है। एक्चुअली आईफोन में पहला परसेंट ड्रॉप होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उसके बाद धीरे धीरे ड्रॉप होता है। इस फोन का डिस्प्ले का ब्राइटनेस बस ठीक ठाक ही है, आउटडोर में ठीक ठाक विजिबल हो जाता है। इसका डिस्प्ले ब्राइटनेस बस 625 nits के आसपास देखने को मिलता है। आउटडोर में ऐसा कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला, लेकिन इतना भी ज्यादा ब्राइट नहीं है। डिस्प्ले बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिल रहा है एमोलेड डिस्प्ले और साथ ही साथ आप लोगों को HDR का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अभी लगभग सुबह 10 बज रहे हैं, अभी भी चार्ज आप देख लीजिए 82% के आसपास है और स्क्रीन टाइम की अगर बात करें तो 1:09 हो चुका है और अभी मुझे अभी पैदल चलना है लगभग 1 किलोमीटर और उसके लिए मैं जी मैप इस्तेमाल करने वाला हूँ। जी हाँ, मैं एप्पल मैप इस्तेमाल नहीं करता, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगता है एप्पल मैप्स इंडिया में इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है। अगर आप बस में ट्रैवल करते हैं तो इस नोटिफिकेशन को देखिए, यहाँ पर कितना बेहतरीन तरीके दिखाते हैं कि आपको कितना देर वेट करना है और कितना स्टेप्स ट्रैवल करना है, जो कि एप्पल मैप में नहीं दिखाता। तो अभी दोपहर के लगभग 1 बज रहा है, अभी भी फोन में 41% के आसपास बैटरी बचा हुआ है। आप स्क्रीन टाइम वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पर। अभी तो लंच करने का टाइम हो गया है, तो चलिए लंच करने के लिए जाते हैं। मैं रहा तो बैंगलोर में, यहाँ पर इतना तो गर्मी तो है नहीं, इसलिए हीटिंग का कोई प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं हुआ। लेकिन हाँ, 5G में फोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऊपर से गूगल मैप्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे थोड़ा हीट तो होगा ही। अभी तो मैं आ गया रेस्टोरेंट में, सुना है यहाँ पर बहुत ही बढ़िया खाना मिलता है, तो चलिए देखते हैं कैसा खाना मिलता है। मैं ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका हूँ, आज बस खाने की इंतजार करते हैं कि देखते हैं कब तक खाना मिलता है। भूख के वजह से पेट में तो चूहा दौड़ रहा था, लेकिन खाना बहुत बढ़िया मिला, बहुत ही टेस्टी था, उसमें कोई कंप्लेंट नहीं है। लंच तो हो गया है, अभी रूम में लौटना है। अभी भी लगभग 28% के आसपास चार्ज बचा हुआ है, चलिए रूम में जाकर बात करते हैं। अभी अभी मैं रूम में पहुंचा, अभी लगभग 3 बज रहा है, अभी भी फोन में 21% के आसपास चार्ज है और फोन का जो स्क्रीन टाइम रह चुका है वो है 3 आवर्स। तो मान के चलिए कि 3 आवर्स का स्क्रीन टाइम मिला है 100 से लेकर 21 में, और अभी भी अगर नॉर्मल यूसेज में बात किया जाए तो 1 घंटा तो आसानी से चल जाएगा। तो आप मान के चलिए कि हेवी यूसेज में 3 घंटा और नॉर्मल यूसेज 1 घंटा, तो सब कुछ मिला के 4 घंटे के आसपास स्क्रीन टाइम देखने को मिल रहा है, जो कि मैं मानता हूँ ठीक ठाक है, क्योंकि आईफोन 12 का बैटरी बैकअप ऐसे भी इतना बड़े तो कभी नहीं था और उसके ऊपर से जो बैटरी है ओरिजिनल नहीं है, मैं पहले ही बताया था मतलब मेरा पिछले वीडियो में। तो इस बैटरी के हिसाब से ये जो स्क्रीन टाइम देखने को मिल रहा है वो ठीक है। अगर आपको कोई कमी दिखता है तो बस 2 चीज़ को लेकर हो सकता है। एक तो इसका स्पीकर, इस फोन का स्पीकर का क्वालिटी बस खत्म सही है, ऐसा नहीं है कि इस फोन में कोई प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ पर एक बंदे के पास आईफोन 12 है, जो कि वो नया खरीदा था और उसके साथ में मैंने कंपेयर करके देख लिया, एक ही जैसा है। आप जरा खुद सुन लीजिए। मतलब आईफोन 12 के स्पीकर ही कुछ ऐसा ही है। एनीवे क्या ही कर सकते हैं। और जो दूसरा कमी आपको देखने को मिल सकता है वो है इसका डिस्प्ले।
ऐसे तो डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसका जो रिफ्रेश रेट है वो बस 60Hz है। अगर आप कोई नॉर्मल यूज़र है तो आपको शायद पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपने अगर बहुत सारा फ़ोन इस्तेमाल कर चुके हैं तो आपको ज़रूर पता चलने वाला है कि इसका जो रिफ्रेश रेट है वो बहुत स्लो लगेगा आपको। लेकिन अगर यही फ़ोन आप कोई नॉर्मल यूज़र को दे देते हैं शायद उनको पता भी नहीं चलेगा कि इस फ़ोन का रिफ्रेश रेट 60Hz है, 120Hz जो भी है, उससे उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। और कैमरा क्वालिटी कैसा है वो तो कैमरा सैंपल से आपको पता चल ही गया होगा कि इसका जो कैमरा है वो आज के डेट में बहुत ही बेहतरीन फोटो खींचता है, और वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में भी बहुत ही सही है। बस एक ही कॉम्प्लेन है वो इसको फ्रंट फेसिंग कैमरा को लेकर, वैसे तो फोटो बहुत तगड़ा खींचता है और जो वीडियो है वो भी बहुत ही सही है, लेकिन वीडियो में स्टेबिलाइजेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है। वीडियो स्टेबिलाइजेशन में मुझे थोड़ा जिटर दिख रहा था जो कि थोड़ा एनोइंग हो सकता है। एनीवे आईफोन 12 आज के डेट में भी बहुत ही सही ऑप्शन हो सकता है। अगर आपके पास ऑलरेडी ये फोन है तो आप बहुत ही आसानी से इस फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी 2 साल का iOS अपडेट देखने को मिल जाएगा। और अगर आप नया खरीदने का सोच रहे हैं तो मत सोचिए भाई, क्योंकि नया खरीदने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आप सेकेंड हैंड में ढूंढ रहे हैं तो भी ठीक है, अगर सेकेंड हैंड में आपका कोई बढ़िया डील में मिल जाए तो भी ठीक है, आप मैं कह सकता हूँ। तो यही थे इस वीडियो में। अगर ये वीडियो को पसंद है लाइक कीजिए और साथ साथ कमेंट में बताइए कि ये जो मैंने फॉर्मेट में वीडियो बनाया है ये फॉर्मेट आपको कैसा लगा। और आपने अगर मैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कीजिए और साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जहाँ भी कोई नया वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।